स्टार न्यूज की टॉप 10 सुपर फास्ट खबरों में आज आपका स्वागत है। कोलकाता में सोने की दाम 47,250 रुपए पर, वहीं चांदी के दाम में बढ़ोतरी 67,100 से 67,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। उत्तर दिनाजपुर के इलाके के SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से पैसे की हुई लूट। पुलिस कार्रवाई कर रही है कि आखिरकार ये पैसे लूटे कैसे गए। कोलकाता के जेसोर रोड में स्कूल और कॉलेज खोल देने के लिए भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। अमदंगा में किराना दुकान से राशन का सामान बरामद। पुलिस ने घटना में शामिल होने के आरोप में दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मदन मित्रा ने भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी नारद मामले के साथ जुड़े हुए हैं। घोटाले में लिप्त शुभेंदु को खुद को बचाने के लिए सीबीआई और बीजेपी कर रहे हैं। पेगासस हैकिंग के मामले में ममता ने जांच कमेटी का गठन किया। आज अचानक बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ২০২৪ लोकसभा इलेक्शन के लिए तीसरे फ्रंट को लेकर राजनीतिक हलचल 2021 से ही तेज हो रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर आज पहुंचेगी। इस दौरान वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी, वहीं PM मोदी से भी ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। न्यू टाउन के AA ब्लॉक स्थित एक ज्योतिष के घर से लाखों रुपए की चोरी करने के आरोप में पुलिस ने हाउसकीपर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम तन्मय रॉय उर्फ तनु है। सस्ता सोना दिलाने के नाम पर एक आभूषण व्यवसायी से 5,70,00,000 रुपए नकद लूटने के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वहां पर पहले से खड़े युवकों ने उसके पास से रुपए से भरा बैग छीन लिया और फिर कार में बैठकर फरार हो गए। पेगासस जासूसी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया। इस जांच आयोग में 2 रिटायर्ड जज शामिल है जो पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करेंगे। ममता ने दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है। ममता ने कहा, हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बने, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है।